कौन हो तुम लोग? हाँ, और क्या चाहते क्या हो? चाहता तो मैं हूँ, अपने 50 लाख के नुकसान के बदले में तुमसे वो बदला लेना चाहता हूँ कि 50 जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे चेहरों पर नारायण के नाम के दहशत की मोहर लगी रहे। तुम? हाँ मैं। रिश्तेदारी मत निकाल, मैं यहाँ तेरी हड्डियां तोड़ने आया हूँ, तुझसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। अच्छा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अपने आदमियों से बोल के अपने तमंचे हटा लें, फिर देख हड्डियां कौन तोड़ता है और रिश्ता कौन जोड़ता है। क्यों जय? सिर्फ रिश्ता ही नहीं जोड़ेगा बल्कि अपने बाप के नाम के साथ हम दोनों का नाम भी लिखेगा। 3 बाप हो जाएंगे तेरे। क्यों, लिखेगा ना? जरूर लिखूंगा, मगर उन लोगों में जिन्होंने नारायण का बाप बनने की कोशिश की और नारायण ने उन लोगों का नाम दुनिया के ब्लैक बोर्ड से हमेशा के लिए मिटा दिया। तेरा नाम तो यमराज होना चाहिए था, ये नारायण किस उल्लू के पट्टे ने रख दिया? इसे पैदा करने वालों ने, उन बेचारों को क्या पता था कि उनके घर में पूत नहीं यमदूत पैदा हुआ है। गोली मार दे। नहीं, मत मारो इन्हें। पचास लाख के बदले ये हीरा बुरा नहीं है। क्या नाम है तेरा? चांदनी। चांदनी? मैं चांदनी को अभी अंधेरे में बदलता हूँ। अगर मेरी बहन को तूने हाथ भी लगाया तो इस हाथ के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरा दूसरा हाथ उसे उठा भी नहीं पाएगा। अरे इकट्ठे तो तब करेगा जब मैं इसका दूसरा हाथ रहने दूंगा। अरे मर्दानगी दिखानी है। मर्दानगी अभी दिखाता हूँ। इस भरी महफिल में तूने मेरे गाल पर तमाचा मारकर जो मेरी इज्जत का कचरा किया है। इसके मुंह पे सिर्फ थूकना ही काफी नहीं होगा भैया, थूकवाता तो ये रोज ही होगा सबके सामने मेरे ही। चल उतार अपने कपड़े, उतार। अच्छी बात है, आज तो मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, लेकिन सबके सामने अगर तेरे कपड़े। आवाज नहीं, आवाज नहीं, ज्यादा आवाज की तो गले में अंगूठा डालकर तेरी बोलती बंद कर दूंगा। चल उतार। अरे ऐसे नहीं, यहाँ पर बहुत सी माँ बहनें खड़ी हैं, तेरे घर पे कोई माँ बहन होगी ना, उन्हीं से उतरवा लेना। अच्छी बात है बेटा, तुम लोगों भी याद रखूंगा, आज जैसे तुम लोगों ने मेरे कपड़े उतारे हैं एक दिन तुम्हारी हड्डियों में तो तुम्हारा उतरवाया। अबे जाता है क्या, चील कौओं को दावत भी हम ही दें? तेरी क्या तो तेरी हड्डी भी उतारेंगे। माँ, मेरे होते हुए मेरी बहन की तरफ कोई आंख तक नहीं उठा सकता। देखा भाई हो तो ऐसा। अरे तू भी तो कुछ बोल, जब से देखा है बस खाए जा रहा है। अरे घर तो अपना नहीं है लेकिन पेट तो अपना है, पेट बिगड़ जाएगा तो बस बुराई हमारे खाने में ही निकालेगा। चांदनी पकने दे माँ, इसका तो यह हिसाब है तेली का तेल जले और मसाजी की नाक जले, इसकी बकबक की कौन परवाह करता है। तुझे मेरी नहीं पर मुझे तो तेरी परवाह है। अरे बस कर, जब देखो तो बड़बड़ करती रहती है। इसकी बड़बड़ बंद करने का एक ही रास्ता है माँ, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। मैंने भी कितनी बार कहा है पर बेचारी माँ भी क्या करे, मेरे हाथ पीले करके अपने गले में डालेगी क्या।
ये तो, अरे हाथ क्यों धोने लगे? और खाना घर में आता है। रोटी खाने के बहाने बुलाकर सारा भेजा खा गई है। शुक्र है भेजा खाया, काटा नहीं। विकी बेटा कुछ और? माँ पेट भर गया। पेट नहीं भरा, हाथ पीले करने के नाम से मुंह पीला हो गया। बलि चढ़ाने के लिए कोई और बकरा ढूंढ। मुझे शादी करके बीवी लानी है, भौपू नहीं। देखो माँ, मुझे भौपू क्या, मैं तुझसे बात नहीं करती। शुक्रिया। तेरे हाथ में तो जादू है माँ, कितना मजेदार खाना बनाती है, क्यों विकी? बिल्कुल माँ। अच्छा माँ चलते हैं। नमस्ते। भगवान तुम दोनों की दोस्ती हमेशा बनाए रखे। अरे मिल्क कॉलोनी चलोगे क्या? तू सवारी छोड़, अपना धंधा कर, मैं घर चलता हूँ। हाँ यार, ग्राहक को वापस लौटाना वैसे भी अच्छा नहीं होता। तू ऐसा कर, तू यही मेरा इंतजार करना, मैं सवारी को छोड़कर आता हूँ। बैठिए साहब। शुक्रिया। ओ भाई साहब, टैक्सी का भाड़ा कौन देगा? भाड़ा? कैसा भाड़ा? भाड़ा तो तुझे यहाँ लाने का हमें मिला है राजा, समझे? नहीं समझे? तो ये देख लो तुझे यहाँ समझाने के लिए कौन आए हैं। नारायण। नारायण नहीं, नारायण साहब बोल। तुझे देखकर कुत्ते की दुम याद आ गई नारायण, जो कभी सीधी नहीं होती। वरना उस दिन हड्डियां तोड़वाकर कपड़े उतरवाकर तू सीधा हो गया होता। तूने तो मेरे सिर्फ कपड़े उतारे थे, मगर मैंने तेरी खाल उतरवाने के लिए तुझे यहां बुलवाया है। तेरे ये मुस्टंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नारायण। तू अभी कल का लौंडा है, तू मेरे इन मुस्टंडों को नहीं पहचानता है। अगर एक हाथ कस के मारेंगे ना तो तेरी 32 जबड़ों के बीच पिस कर पाउडर बन जाएगी पाउडर। मिर्ची जितनी छोटी होती है उतनी ही तीखी होती है नारायण, दांतों के साथ जबान के भी होश उड़ा देती है। और ये मत भूलना कि तू भी इनके साथ है। भाड़ा निकाल, वरना नारायण से पहले तेरे दांत निकाल दूंगा। अरे भाई काहे को गुस्सा करता, अभी देता हूँ भाड़ा। ये की कोई बात नहीं, खतरा टल चुका है। खतरा तो अब उसकी जान को होगा जिसने मेरे दोस्त की जान खतरे में डाली है। पर ये कातलाना हमला करने वाले कौन लोग थे? मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? कार का नंबर या ड्राइव करने वाले को? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ओके
तूने इंस्पेक्टर से तो छुपा लिया, मगर मुझसे नहीं छुपा सकता। मैं जानता हूं तू अनजान नहीं, सब जानता है। विकी, मुझे बता कौन थे वो लोग? नहीं, जो हाथ मुझ पर उठे वो हाथ मैं खुद ही तोड़ूंगा। इसका मतलब हमारा प्यार एक दिखावा है, हम दोनों की दोस्ती एक ढोंग है। ये ढोंग नहीं है मेरे दोस्त, दरअसल ढोंग ही तो है, वरना तूने विकी और विजय में फर्क कैसे समझ लिया? तू गलत समझ रहा मेरे यार, मैं अपने यार को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तू नहीं जानता वो कितना खतरनाक है ना? अरे यही तो जानना चाहता हूँ कि कौन है वो जिसने तेरे दिल और दिमाग में इतना डर भर दिया है कि तुझे अपने यार और उसके बाजुओं पर भरोसा नहीं रहा। अरे विकी, एक बार उसका नाम बता दे, उसकी रगों के खून को पानी में बदल दूंगा जिसने तेरा खून बहाया है। जिसने मेरी रगों का खून बहाया है, मैं खुद ही उसके खून को उसकी रगों का मोहताज बना देना चाहता हूँ। तुझे मेरी कसम है विकी, बता उसका नाम क्या है। विकी, तुझे मेरी कसम, बोल कौन है वो? नारायण। वाह 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 सितारा जान, गली से मेरा यार गुजरा, क्या आवाज, बहुत अच्छा गाती हो। वाह वाह सितारा भाई के साथ तुम भी क्या साज बजाते, हम तुम्हारे बजाने बहुत खुश हुए। ये लो अपना इनाम नारायण बाबू, चलते बनो। मैं भी चलती हूँ नारायण बाबू। बाबू नहीं मेरी जान, सिर्फ नारायण को। आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं, दरवाजा खोलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हें रोकता कौन है? ये नारायण के घर की वफादार दीवारें हैं, ये अंदर की बात को बाहर जाने देती नहीं है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैंने 50,000 तुम पर तरस खाकर खुद तरसने के लिए नहीं। बुरा वक्त बताकर नहीं आता है जलील कुत्ते, छोड़ दे लड़की को। वक्त तो तेरा फिर गया जो तू यहाँ फेरा लगाने आ गया बेवकूफ। अगर चिरोटे के कहने से चिड़िया को छोड़ दिया तो ये बात की तोहीन होगी। बता लीजिए, मेरी इज्जत को लुटने से बता लीजिए भगवान के लिए। तवस के भूखे भेड़िए आंसुओं की जुबान नहीं समझते। इसके आंसू तो तूने पहुंच लिया, अब तेरे आंसू कौन पहुंचेगा? क्योंकि तेरे आंसुओं को पहुंचने वाला तेरा वो दोस्त अब तक मौत की नींद सो चुका होगा। हमारी दोस्ती पर आंख तक उठाने के लिए मौत को भी 50 बार सोचना पड़ता है नारायण, और तुमने बगैर सोचे मेरे दोस्त पर हाथ उठा दिया। अरे ये तो सोचा होता जब विजय का हाथ उठ गया ना, तब तुम्हारा हश्र क्या होगा। तुम्हें कुत्तों को बुलाया, बुला सारी बिरादरी को। शैतान, जो जख्म तूने मेरे दोस्त को दिए थे वही लौटा कर जा रहा हो नारायण। आइंदा मेरे दोस्त या इस लड़की पर आंख भी उठाई तो याद रखना, पहले तेरी आंखें निकाल दूंगा, फिर तुझे मारूंगा, ताकि अगले जन्म में तू अंधा पैदा हो और किसी पर बुरी नजर ना डाल सके।
अंधा तो पैदा होना ही पड़ेगा, ऐसे कुत्ते जो पाल रखे मैंने। और तुम, तुमको भी विजय ने ढोल की तरह पीट डाला, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। विजय कौन? विजय वही जो अभी आया था, मेरे बाद तुम्हारे चेहरे को जूते की तरह रगड़ के चला गया, पॉलिश लगाई बिना पॉलिश के चमका के चला गया। लगता अपुन से ज्यादा उसने तुम्हारी धुलाई कर दी मैन, एक ही फटके में तुम बिरजू को विजय कहने लगे। अपुन का डेयरिंग देखो, जिस तरह धोबी घाट पे धोबी कपड़े धोता है ना, इस बिरजू के बच्चे ने अपुन की कई बार धुलाई कर डाली। पर क्या है कि अपुन की जो खाल है ना, इसकी मैल निकलते ही नहीं। बड़ा जली रिकॉर्ड है यार तुम्हारा। लेकिन इसका रिकॉर्ड यह है कि विजय नहीं, बिरजू है। बिरजू कौन? बिरजू ये जो अभी आया था, ये बिरजू है। बिरजू अगर ये बिरजू है तो जाओ पता कराओ कि बिरजू विजय बनकर क्यों घूम रहा है।